नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो है 1 रुपए का क्रॉस वाला सिक्का और दूसरा वाला 50 पैसे का नेशनल इंटीग्रेशन का ये वाला सिक्का और तीसरा है हाफ रुपी 1955। ये तीनों सिक्कों की वैल्यू इस टाइम पे क्या चल रही है, अगर आपके पास में ये सिक्के होते हैं तो आप कितने रुपए में इनको सेल कर सकते हैं और अगर आप इनको परचेज करना चाहते हैं तब आप इनको कितने रुपए में बाय कर सकते हैं। लेकिन गाइस, इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिए। नेशनल इंटीग्रेशन की थीम का ये वाला सिक्का 50 पैसे का, इस सिक्के की कीमत 3000 रुपये तक होती है इस टाइम पे। अब आप ये भी बोलोगे कि आपने 3000 बोला फिर उसकी कीमत कम कैसे हो गई, तो अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ कि इन सिक्कों में आखिर होता क्या है कि जो कीमत बताते हैं वो आपको क्यों नहीं मिलती। देखो, अगर आपको मैंने 3000 बताया और आपको 3000 में इस सिक्के को बाय करना है या फिर खरीदना है तो आपको जिस कंडीशन में मैं बता रहा हूँ ना वही सिक्का आपके पास होना चाहिए। अब इसकी मैं दूसरी कीमत बताता हूँ, दूसरी कीमत इसकी 800 रुपये से 1000 भी हो सकती है। अब आप सोचोगे कि 800 और 3000 में इतना फर्क है तो फिर ये ऐसा कैसे हो सकता है, तो इसका भी मैं बताता हूँ। ये जो 50 पैसे का सिक्का है नेशनल इंटीग्रेशन का फाइन कंडीशन में होता है तो इसकी कीमत 800 से 1000 के बीच में हो सकती है, और यही सिक्का एक्स्ट्रा फाइन वेरी फाइन कंडीशन में होता है तो फिर इसकी 1500 से 2000 के आसपास चली जाती है। और अगर आपके पास में यूएनसी कंडीशन का सिक्का है, अब यूएनसी कंडीशन का कभी भी सर्कुलेशन में नहीं मिलेगा, याद रखना इस बात को, तो आपको जो सिक्का सर्कुलेशन में मिलेगा, पहली बात तो ये सिक्के सर्कुलेशन में बहुत मुश्किल से मिलते हैं, कलेक्टर लोगों के पास में से खरीदना पड़ता है, लेना पड़ता है, तभी आपके पास ये सिक्का आएगा। फिर भी अगर आपको ये मिल जाता है तो आपको फाइन कंडीशन से ज्यादा नहीं मिलेगा, मुझे नहीं लगता कि फाइन कंडीशन के ऊपर की कंडीशन में ये सर्कुलेशन में सिक्का मिल जाए, तो उस सिक्के की कीमत कितनी होगी, 800 से 1000। उसके बाद में आप उसको सेल करने के लिए जाते हैं तो फिर शॉप वाला भी थोड़ी आनाकानी करेगा, जो भी उसकी नीड के हिसाब से आपको उसकी वैल्यू बताएगा, हो सकता है वो आपको 500 रुपये बताए। तो ऐसा होता है, जो रेयर होता है और जो सही कीमत आप जो देख रहे हैं 3000, वो जेन्युइन सी कंडीशन के सिक्के की कीमत होती है। अब ये वाला सिक्का है, देख लीजिए एक बार अच्छे से, पुराना वाला सिक्का है ये सिक्के मेरे को मतलब सेंड किए थे तो वो सिक्के कंडीशन में नहीं थे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, कंडीशन बहुत मायने रखती है, पुराने सिक्कों में भी कंडीशन का बहुत महत्व होता है। इस सिक्के की कीमत मैं अगर आपको बताऊं तो 2000 से लेकर 3000 तक हो सकती है, लेकिन 3000 का अगर आपको इसको सेल करना है तो आपको यूएनसी कंडीशन में सिक्का ढूंढना होगा। ये बॉम्बे मिट का सिक्का है, 0.5 रुपी, पुराना वाला सिक्का है, बड़ा साइज में बड़ा है, और मतलब इस सिक्के को आप मान लो फाइन कंडीशन में ढूंढते हैं तो फिर इसकी कीमत हो सकती है 1500 रुपये तक भी, 1200 भी हो सकती है, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में है तो फिर उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। यहाँ फिक्स नहीं होती कीमत, कभी भी एक नीड और दूसरा इसकी कंडीशन दोनों पे डिपेंड होता है। किसी कलेक्टर के पास में ये सिक्का नहीं है तो वो आपको हो सकता है पूरे 3000 एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में दे दे, लेकिन अगर उसको जरूरत नहीं है तो फिर वो इससे भी कम आपको कीमत दे सकता है, इस बात का ध्यान रखना होता है अगर आप कलेक्शन करते हैं तो। अगर आप ऐसे ही सिक्के ढूंढ रहे हैं, आपको नॉलेज नहीं है, एग्जीबिशन में पहुंच गए तो सिक्का फिर आपका कैसे सेल हो सकता है, उसकी बाद में आप मतलब गलती हम लोग को बोलते हैं कि आपने गलत बताया, इसका कीमत इतनी कीमत मिल नहीं रही है, तो इसका एक रीजन होता है। हर सिक्के में कीमत हम खुद डिसाइड नहीं कर सकते, जो खरीदने वाला होता है वो डिसाइड करता है। अगर आप खरीदेंगे किसी से, कोई आपको 5000 का बोलेगा तो आप नहीं देंगे, बस यही होता है इन सिक्कों में। चलो नेक्स्ट सिक्के को ढूंढते हैं। अब है ये वाला 1 रुपए का सिक्का, क्रॉस वाला, 2004 में इसको भी जारी किया गया था, और अगर इस सिक्के की हम कीमत की बात करें तो आज के टाइम पर ये 2000-2500 तक सेल हो रहा है यूएनसी कंडीशन में, और फाइन कंडीशन में आपको ये सिक्का 1200 रुपये तक मिल जाएगा, 1000-1200 तक ये सिक्का मिल जाता है, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 1500 तक मिल जाता है। तो कीमत सब सिक्कों की अलग अलग होती है, और बात मेन ये होती है कि जो खरीदने वाला होता है अगर उसको नहीं ज़रूरत है तो फिर वो 500 भी आपको इसका नहीं दे, क्योंकि उसको ज़रूरत नहीं है तो नहीं देगा। तो ये वाला सिक्का कलेक्टिबल है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप इसको मतलब चलन में दे दो 2004 का,
लेकिन आप ये भी नहीं बोलो कि आपने जानकारी कुछ और दी थी, वहां पे पैसे कुछ कम मिल रहे थे, तो कम अगले वाला को जरूरत होगी उसके हिसाब से देगा। मैं कलेक्टर के हिसाब से इसकी जो कीमत है वो बताता हूँ, आप बुक में चेक कर लो, जो मैं बताता हूँ उससे थोड़ी बहुत ज़्यादा ही मिलेगी आपको, और रियल में इतनी वैल्यू मिलती है, लेकिन वो कलेक्टर लोग को मिलती है। भी कोई नया आदमी जाएगा तो उसको तो सबसे पहले तो कम बताएंगे, दूसरी बात यह है कि उसको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो फिर आपको उसका कोई बेनिफिट नहीं हो सकता है। आपके पास UNC होगा तब भी आपको एक्स्ट्रा फाइन बता देंगे, ऐसा होता है। तो मैंने आपको 3 सिक्कों की जानकारी दी है, और ये तीनों की जो मैंने आपको कीमत बताई है, बुक में आपको इससे ज़्यादा ही मिलेगी, कम नहीं मिलेगी। और एग्जीबिशन में जाके आप इसको खरीदने के लिए जाएंगे तो आपको इससे ज़्यादा मांगेंगे। तो मेरी जानकारी जो होती है वो आपके नॉलेज के लिए होती है, आपको सबसे पहले सीखना होता है कि रेयर क्या है, कॉमन क्या है, ये पहचानो, और रेयर है तो उसको कहाँ सेल करना है, कैसे सेल करना है, वो सबसे पहले आपको सीखना होगा। एग्जीबिशन वगैरह आप घूमा करो तभी आपको इस चीज़ का नॉलेज होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना, और अगर आप पहली बार चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और साथ में बेल आइकन भी दबा लेना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।